जी आप देख सकते हैं जी सरगर्म दिवस पंजाबी दिवस जी। ये आप देख रही है कायनात का चावल है, ये कायनात का चावल है, ये तकरीबन 15 दिन पहले हुआ है जी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 15 दिन बाद में हुआ है। ये कायनात है, ये पंजाब सुबह भावलपुर के नवाई गाँव तहसील आसरपुर में बीजा गया है। यानी कि इसको जो कहते हैं ना कि इसका यानी कि उजार वगैरह इसमें ज़्यादा लगते हैं, यानी कि बीमारियां इसको ज़्यादा लगती हैं कि ये जो है कायनात का चावल है। ये आप देख सकते हैं इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसको स्प्रे जो है तकरीबन हर 10 दिन बाद की जाती है। आप देख सकते हैं ये कायनात का चावल है। और दूसरे नंबर पर ये आप देख सकते हैं कि ये 015 की वैरायटी है जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। 015 ये आप देख सकते हैं, ये उससे मुनफरिद है। ये आप देख सकते हैं कि इसका बूटा जो है ये थोड़ा सा अलहदा है, यानी कि बिल्कुल क्लोज है ये, यानी कि अपना जो है अपना एक अलहदा वैरायटी की यानी कि पहचान है। ये देखें ये आप ये कायनात है, ये आप देखें आपको महसूस होगा कि मुकम्मल जो है चावल तैयार हो रहा है। ये आप देखें कि अलहदगी का ये जो है निशानदेही कर रही है कि अलहदा ये वैरायटी है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, आगे आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ये सारे ये जो है ये 015 की आगे वो 3-4 एकड़ 6 एकड़ सारे 015 की काश्त की गए हैं। ये जो है ये तकरीबन 2-3 एकड़ है, ये सामने जो 7-7 मैच हैं ठीक है। ये कायनात का चावल बीजा गया है। ये जो है ये चरी इसको बोलते हैं, गाचा भी बोलते हैं, जो जिस हर तरह की अपनी अपनी पहचान होती है जी। ये इसमें किक्कर का पेड़ लगा हुआ है, ये खाला है, इसको पानी जाता है। ये इस यानी कि अपनी अपनी फसल को हर तरह का 2-3 एकड़ 4 एकड़ का अलहदा उन्होंने बनाया हुआ है खाला, ये इसको जाता है, ये उसको जाता है। ये चरी है, आप चरी देख सकते हैं।